जळगाव येथे हिंदू सिंधू तीर्थस्थळाची निर्मिती करण्यात येणार असून भगवान श्रीरामांची 101 फुटाची आणि झुलेलाल भगवान यांची भव्य मूर्ती 8 एकर जागेत शहरातील अनुभूती स्कूलच्या मागील शिरसुरी रोडवरील पाचदेवी मंदिर येथे या मंदिराची स्थापना होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर 26 जानेवारी रोजी जळगाव शहरातून प्रभू श्रीराम मंदिरापासून भव्य दिव्य शोभायात्रेचं आयोजन सिद्धी समाज बांधवांतर्फे करण्यात आलं होतं. यावेळी विविध समाज बांधवांनी या शोभायात्रेत आपला सहभाग नोंदवला होता. प्रभू श्रीराम मंदिरापासून या शोभायात्रेत सुरुवात होऊन पाचदेवी मंदिर येथे या शोभायात्रेचा समारोप करण्यात आला. साई मानव संस्थेतर्फे या शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी झुलेलाल साई मानव संस्थेचे अध्यक्ष नीरज जयस्वाल, संजय हिरान, अनिल जोशी, वासुदेव पारपी आणि संतोष वालेचा आदींची यावेळी उपस्थिती होती. या संदर्भात साई मानव संस्थेचे अध्यक्ष नीरज जेशवानी यांनी ईबीएम न्यूजला अधिक माहिती दिली. रैली का आयोजन अभी यहाँ से टावर चौक से सिंधी कॉलोनी से डीएसपी चौक से डीमार्ट से सिरसोली. कितने दिन में काम पूरा हो सकता है? ये काम लगभग 3 साल में पूरा होगा. किसकी उपस्थिति में रैली संपन्न होने जा रही है? ये हमारे सिंधी समाज के संत महात्मा और सभी हमारे सिंधी भाई और आए हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मेहमान. ये रैली एक सिंधी समाज के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि एक आदमी नीरज भाई इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं और यहाँ श्री राम की मूर्ति और श्री झूलेलाल जी की मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है. बहुत ही सराहनीय कार्य है. ये जो काम है पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है. तो सभी से विनंती है कि इसमें सभी सहकार करें. धन्यवाद. आज की रैली हमारे दुनिया के सबके आराध्य देव प्रभु श्री राम के पावन चरणों से जो जलगांव नगरी पुनीत हुई है, वैसे हमारे जलगांव के ग्राम दैवत श्री राम मंदिर से शुरू होकर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूर्ति में से एक 101 फुट ऊंची मूर्ति जो जलगांव शहर की शान बनने वाली है, और ऐसा झूलेलाल मानव सेवा समिति ने संकल्प लिया है. और आज उस संकल्प का पहला दिन है. सभी संत महात्मा और पूरे सिंधी समाज का आशीर्वाद हमें मिलेगा. जय श्री राम. बहुत ही खुशी है आज कि आज जलगांव नगर में जो पहले से ही संतों की नगरी है, और हम तो महाराष्ट्रवासी वैसे भी भाग्यशाली हैं, ये संतों का प्रांत माना जाता है. भारत भूमि भी इतनी पवित्र भूमि है जिस पर समय समय पर भगवान अवतरित होते रहते हैं अलग अलग रूपों में. इस पावन नगरी में भगवान श्री राम जी, भगवान झूलेलाल जो सिंधियों के इष्ट देवता हैं, विराजमान हो रहे हैं. अत्यंत हर्ष का अवसर है. हम सबको भगवान श्री राम के और भगवान झूलेलाल के दर्शन होंगे. खूब खूब सेवा पूजा करके हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. हेलो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.